झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी थी। वहीं हजारीबाग में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिले के बरही स्थित कोबरा बटालियन कैंप में अंतर्राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल आयुक्त प्रमंडल रेंज के डीआईजी के डीआईजी के अलावा गया के एसएसडी हजारीबाग के एसपी चतरा कोडरमा के डीसी समेत कई वरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप से नक्सल गतिविधि पर नकेल कसने समेत विभिन्न बिंदुओं पर मंथन किया गया। वहीं नक्सलियों के खिलाफ बिहार और झारखंड के संयुक्त अभियान चलाने पर विशेष बल दिया गया। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर हम लोगों का जो बॉर्डर इलाका है उसमें नक्सल गतिविधि ज़्यादा है और झारखंड में भी है और बिहार में भी है, और जो ग्रुप इसमें काम करते हैं वो दोनों ही राज्य में आते जाते रहते हैं। और ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसा कोई व्यवधान नहीं है कि या तो वो झारखंड में रहें या वो बिहार में रहें। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन में फिर स्टेट पुलिस के साथ में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री की फोर्सेज हम लोगों के लगी हुई हैं, चाहे वो बिहार में हो चाहे झारखंड में, उन सभी को मिलजुल करके काम करने के लिए होता है। जो बैठक हुई ये आयोजित है अंतर्राज्यीय बैठक, जो इलेक्शन के समय में वो हमारा जो मतदान केंद्र चिन्हित किया गया है उस बिंदु पर बड़ा निकट नज़र रखने के लिए दोनों राज्य की जरूरत है। एक तो जहाँ मेरा हो रहा है उसके अतिरिक्त हमारा दूसरे जिले जो बिहार राज्य में अवस्थित है, इसलिए बिहार राज्य के गया जिला, नवादा जिला, जमुई जिला के एसपी और डीसी साहब भी आए थे, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी थे। उन लोगों के बीच में यह विमर्श किया गया कि जो बूथ पर जो है शांतिपूर्ण मतदान हो, और इसके लिए अगर बिहार से कोई भी अगर हिंड्रेंस पैदा करता है तो उस पर जो है निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। तो वहीं रामगढ़ में भी जिला प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण कराने को लेकर कमर कस ली। जिले में चुनाव को लेकर कलेक्टर ऑफिस में हस्ताक्षर अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बार जिला कलेक्टर ऑफिस आने जाने वाले लोगों को कई मैसेज दे रहा है। डीसी ऑफिस की सीढ़ियों पर मतदाताओं के लिए कई तरह के स्लोगन भी लिखे हुए हैं। जो भी आम नागरिक डीसी साहब से मिलने के लिए आते हैं उन्हें सबसे पहले अपने आप को यह एहसास होगा हम भारत के नागरिक हैं और हमारा वोट हमारा मौलिक अधिकार है। इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग आप लोग देख रहे हैं कि जिले में चला रहे हैं, और उद्देश्य ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी हमारे मतदाता हैं उन तक ये संदेश पहुँचे कि आप मतदान करें अवश्य। 12 दिसंबर को मतदान की तिथि निर्धारित है, और उसी कड़ी में एक स्वीप नए कार्यक्रम के तहत आज समाहरणालय कैंपस से हस्ताक्षर कैंपेन का शुरुआत किया गया है, जिसमें सभी समाहरणालय के पदाधिकारी कर्मी सभी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ का शपथ लेते हैं कि हम स्वयं भी मतदान में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पर जिनके संपर्क में जो लोग हैं उनको इस चीज़ के लिए उत्साहित करेंगे कि आप स्वयं भी जाएँ मतदान करें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो ऐप है 1950 है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, इनकी सभी सूचनाएं भी इस बोर्ड पर अलग अलग बाकी जगहों पर बाकी माध्यमों से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये उद्देश्य है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे प्रशासन तैयारियां तेज कर रहा है, साथ ही शत प्रतिशत मतदान करवाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हजारीबाग से राजकुमार और रामगढ़ से अविनाश की रिपोर्ट।